काम किया क्या? नहीं सर, नहीं सर, पहली बार सर। लास्ट डे क्या करके तो जो जो बोला गया आपसे कॉन्टेक्ट इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? थैंक यू वेरी मच सर। तो मेरे साथ में एक स्टूडेंट है यहाँ, आपका नाम संतोष। संतोष कहाँ से है? उड़ीसा। उड़ीसा से। संतोष जी ये बताओ उड़ीसा में क्या करते हैं आप? उड़ीसा में मोबाइल दुकान है जी। तो आपने क्यों लगा कि चिप लेवल पे बड़ा लेवल पे काम करें? सर कोई भी सेट आता है वो कस्टमर हो क्या काउंटर पर वो कहते रहता है बना नहीं पाता हूँ, सुबह हीट डाल के गलता नहीं खराब कर देता है बिल्कुल, इसलिए मैं डिसाइड किया। उसने बोला ऐसा टेलीकॉम सही नहीं है, मैं अपना दिमाग को सही किया, नहीं जाऊँगा तो पढ़ा मेडिकल जाऊँगा। अच्छा टेलीकॉम नहीं जाऊँगा। अच्छा ये बात जरूर सब लोग सुनिए, इनको कहा है कि ऐसे टेलीकॉम सही नहीं है, बताओ उनको क्या कहना चाहोगे? मतलब अगर अगर वो कभी रास्ते में मिले या कभी बातचीत में हुए तो जो कह रहे थे वो सही नहीं है, वो खुद ही आके देखे क्या यहाँ सही होता है कि नहीं। मैं तो सक्सेस कर लिया, देखना है बिल्कुल। और यहाँ मेहनत करने वाले सक्सेस पा सकते हैं। इसकी क्या कीमत है सर बताओ, इस सर्टिफिकेट की क्या कीमत है आपकी? बहुत है सर मेरे लिए, क्योंकि आपने पूरे एक महीने की मेहनत जी सर, आपके एक एक घंटे आपने यहाँ पर जो पसीना बहाया है, जो मेहनत अटेंड की है, रात का सोना सब भूल भाल के खाना पीना आपने ये ऐसे ही। अभी बताओ एक सर्टिफिकेट मेरे को स्टूडेंट बोलते हैं कि सर मैं ना आ नहीं सकता, मेरे को सर्टिफिकेट बना के दे दो। मैं बोला मैं तेरे घर में सोने का बना के दे दूंगा, सोने की फ्रेम का, पर क्या हो उसके बाद तू उसको चाटना, क्योंकि उस सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू नहीं तब तक कि सही नॉलेज ना मिले। तो एक सर्टिफिकेट आज एक बड़ी बड़ी डिग्री लेके इंजीनियरिंग एमबीए करने के बाद भी सर्टिफिकेट सब घर के अंदर रखे हुए हैं, उसमें कोई वैल्यू नहीं है अगर मैं कहीं दिखाई नहीं पा रहा हूँ, नॉलेज नहीं है तो कैसे देख सकते बिल्कुल। तो अभी कैसा लगता है पहले और अब के में कितना अंतर है? सर बहुत फर्क है सर, अभी तो मैं हीरो नहीं बता सकता, जो मैं काम करूंगा जो मुझे कह रहे थे वो देखेंगे तो अच्छा काम करता है वो कहेंगे कि। अरे संतोष का तो आप मैं बता रहा हूँ कि जितने भी आप जो वीडियो देख रहे हैं हमने एक इंट्रो बनाया है, और मैं एक बार यहाँ पे सब लोग सुनो, यहाँ पर जितने भी आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर हमने एक इंट्रो बनाया है। इंट्रो मतलब हर एक यूट्यूब चैनल का एक इंट्रो वीडियो होता है जिसमें हम अपने बारे में बताते हैं, हमें सिर्फ 30 सेकंड में पूरी कहानी के साथ अपने बारे में बताना होता है। सो हमने आपकी क्लास का एक पूरा इंट्रो बनाया है जिसमें हमने संतोष का लाइव सीपीयू निकाल के लगा के पूरा उसमें दिखाया है, इसके लिए बस क्लैप कर रहे हैं। आप सब लोग देखना कमाल का बना है। कल सवेरे मेरे को मतलब मॉर्निंग में सुबह 6 बजे से लगभग 9 बज गए, 3 घंटे में बैठ के पूरी एडिटिंग करके 30 सेकंड का वीडियो मैंने बनाया है, और वो इंट्रो में संतोष ही है पूरे जो हमको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो संतोष कभी लाइफ में आईसी पे काम किया क्या? नहीं सर, नहीं किया, पहली बार नहीं सर। लास्ट डे क्या करके तो जो जो बोला गया आपसे कंटेंट में, क्योंकि कई बार क्या होता है लिस्ट बहुत बड़ी होती है, ये वो फलाना ढिकाना, फिर वो होता है यार तुम उतने लेवल पे हो नहीं, तुम कर नहीं पाओगे, बाद में आगे कर लेना, ऐसा कुछ हुआ है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं, डिसिप्लिन यहाँ बहुत जरूरी है, टाइम टू टाइम आता है, और मेहनत वो तो कह नहीं सकता, हमको मेहनत करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, और थैंक यू वेरी मच, आपका दिन शुभ हो और आने वाला भविष्य भी, थैंक यू। सर मिस्टर अभी तक कोई YouTube में नहीं बताया होगा, क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? तो सीपीयू निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका सीपीयू निकालने वाले हैं?